हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलर गेम पबजी के बारे में। दोस्तों, पबजी गेम इतना पॉपुलर हो चुका है कि शायद देश का कोई ही नागरिक हो जो पबजी के बारे में नहीं जानता हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पबजी पर बैन लग चुका है या फिर पबजी पर भी बैन लगने वाला है। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि हमारे देश में 59 चाइनीज ऐप पर बैन लग चुका है, और मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, क्योंकि चाइना के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पबजी पर बैन लगा है या फिर लगने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से हमारे देश में बॉयकॉट चाइना अभियान चल रहा था, और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहा है, और हमारे देश में 59 ऐप्स पर बैन भी लग चुका है। जैसे टिकटॉक पर बैन लग चुका है, शेयर इट पर बैन लग चुका है, जो हेलो ऐप है उनकी लाइकी, और बहुत सारी जो पॉपुलर ऐप हैं यूसी ब्राउजर जैसा, सभी पर बैन लग चुका है 59 ऐप पर। दोस्तों, अच्छी बात है, और आपको भी मैं यही सुजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी ऐप का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हम बात करें पबजी की। तो दोस्तों, पबजी को डेवलप किया था ब्रेंडन ग्रीन ने, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। उस कंपनी का नाम है ब्लू होल। तो दोस्तों, जो पबजी गेम है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन जो दोस्तों जो पबजी मोबाइल और लाइट गेम है उसको डेवलप किया है चाइना ने, क्योंकि पहले वो जो पबजी गेम थी वो मोबाइल में नहीं खेली जाती थी, और फिर चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने उसे डेवलप किया था। दोस्तों, देश में टिकटॉक बैन होने की वजह से बहुत से टिकटॉक यूजर का ये कहना है कि टिकटॉक बैन हो गया तो पबजी भी बैन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें कि पबजी जो है वो पूरी तरह चाइनीज गेम नहीं है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उस पर 10% शेयर जो है वो चाइना का है, बाकी साउथ कोरियन गेम है। जो पबजी मोबाइल है उसको डेवलप किया है चाइना ने। तो दोस्तों, आपको लग गया होगा पता कि अब जो टिकटॉक यूज़र हैं वो भी पबजी को बैन करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, इन फ्यूचर आगे पबजी मोबाइल की गेम पर भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा जो चाइनीज 59 ऐप बैन हुए हैं, ये इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की वजह से बैन हुए हैं। सरकार ने बताया है, गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि जो ये ऐप हैं, ये डाटा वगैरह लीक होता था इनसे, और सरकार ने इनको बैन कर दिया है। दोस्तों, इन फ्यूचर पबजी भी बैन हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दूं मैं दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पबजी बैन हो चुकी है। सरकार ने कुछ कारणों से पबजी को बैन कर दिया है, और इन फ्यूचर इंडिया में भी ये बैन हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।